इसी द्वार से होकर भगवान श्री राम के मंदिर की ओर आप जा सकते हैं और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दिवाली मन रही है। लगभग 28 लाख दीप जलाए गए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और योगी जी को, मोदी जी को, इनको बहुत 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 धन्यवाद है। श्री राम जी लला जी जो है तंबू में रहते थे और अब जो है उनका भव्य तंबू। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। अपने धाम से भी ज्यादा आई खुशी। हाँ, अपने धाम से भी ज्यादा। हम भी बागेश्वर धाम के हैं। ये खुशी है ना, शब्दों में नहीं बता सकते हम। हर युग में हिंदू थोड़ा आपको पता है गदर है। ये तो है ना, अभी अयोध्या में हर साल है ना विश्व रिकॉर्ड बनेगा और योगी महाराज कह रहे हैं ना बैठेंगे तो कटेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। अभी हम मौजूद हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। जी हैं, और आप पीछे ये द्वार देख सकते हैं। इसी द्वार से होकर भगवान श्री राम के मंदिर की ओर आप जा सकते हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ जा भी रहे हैं। आज दिवाली का शुभ अवसर है और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दिवाली मन रही है और काफ़ी इस बार खास लग रहा है। खास इसलिए भी क्योंकि 500 वर्षों के इंतजार प्रतीक्षा के बाद इस बार पहली दिवाली मन रही है और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे बड़ी भीड़ की संख्या में लोग यहाँ भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल सरयू घाट पे लगभग 28 लाख दीप जलाए गए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और जो पिछली बार 2023 में 22 लाख दीप जलाए गए थे और इस बार 28 लाख दीप जलाए गए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे भी जो भक्तगण हैं, राम भक्त हैं, जो आप इस समय इस द्वार से होकर अंदर जा रहे हैं मंदिर की ओर और वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और करीब अभी रात करीब 7 बज रहे हैं और भीड़ अभी भी आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो लोग हैं हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर इस बार की दिवाली कितनी खास है और लोग इसको लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? राधेगिरी महाराज। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हमारे बागपत जिला। यहाँ पे दिवाली के उस समय भगवान श्री राम के जी भगवान श्री राम के दिवाली के शुभ अवसर पर दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए है। भगवान राम से ये परंपरा चली, उन्हीं से के आगमन पर जो है दिवाली का त्यौहार की मान्यता चली, उसी के दर्शन यहीं हम दिवाली मनाना है। दर्शन हो गए भगवान राम के? भगवान राम के अब जा रहे हैं, पहले वहाँ गए थे सरयू जी में स्नान किया, हनुमानगढ़ी में दर्शन करके आए, हम आ जा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद ये इंतजार खत्म हुआ और इस बार दिवाली पहली बार मन रहा है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बस ये देखो, ये तो असली अयोध्या जिसका नाम अयोध्या, जो भगवान श्री राम जी जब आए थे कभी त्रेता में, यहाँ पे जब रावण को मार के वनवास काट के जो जब उत्सव था वो उत्सव अब है। तो इस त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास हुआ था, इस बार 500 वर्ष लग गए भगवान राम को आने में। जी बस ये तो ये हमारा जो है योगी जी को, मोदी जी को, इनको बहुत 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 धन्यवाद है। श्री मोदी जी योगी जी को जाता है राम मंदिर बनाने के लिए? हाँ जी, हाँ पूरा पूरा जो है उन्हीं को जाता है, उन्हीं की बदौलत है, योगी जी के, मोदी जी के, उन्हीं का, हम तो उन्हीं। कल दीपोत्सव था, 28 लाख करीब दिए जले सरयू घाट पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बन गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं अब से 5 साल पहले आया था जब 21 लाख दिए जलाए गए थे, जब यहाँ जब जो है हनुमान जी, श्री राम जी लला जी जो है तंबू में रहते थे और अब जो है उनका भव्य तंबू में रहते थे रामलला, तभी आप आए थे यहाँ पे देखने? हाँ, जब ही आया था मैं, अब से 5 साल पहले जो है दीपावली यही मनाई थी अब, और उसके साथ जो है उस अवसर जो है फिर मिला भगवान। 5 साल पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में कितना डिफरेंस देखते हैं आप? अरे बस ये तो ये समझो कि भाई उस समय हमारे समय तो जो है देखो कि सतयुग, बस सतयुग ही देखोगे। अब हमारा जो हिंदू तो है सनातन धर्म जागृत हो गया। हाँ, योगी कैसे काम कर रहे हैं देश में? अजी वाह, वे तो अवतार मान लो, अवतार है वे जो है, कोई उनके वे नहीं, वे तो स्वयं अवतार, कोई भगवान राम ने ही जो है उन्हें अवतार पे किसी रूप में। सारा सवाल ये भी उठता है कि अगर मोदी चले जाएंगे तो फिर इसके बाद कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? वे तो योगी है, हाँ योगी है, वे तो उसके बाद तो योगी जो है।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम से। हाँ, और धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पे वो हाँ, हाँ, तो यहाँ पे रामलाल का दर्शन करने। हाँ, रामलाल के दर्शन करने। कितनी खुशी हो रही है 5 साल बाद? बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। 5 साल बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, बहुत कौन सा डांस कर रहे थे कुछ बताएंगे कुछ इसके बारे में? दिवाली कर रहे थे हम लोग। दिवाली? हाँ, दिवाली नाच हो रहा था। नाच हो रहा था। हाँ, दूर से सब लोग पूरा ग्रुप है, पूरा हमारा 40 लोग हैं। 40 लोग हैं, राम लाला के दर्शन हो गए। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कल दीपोत्सव था, कल दिया जले, आज भी दिया जले। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमको। कल भी मनाएंगे दिवाली, कल आने वाला कल है, कल भी मनाएंगे, पूरे दिन दिवाली नाचेंगे यहाँ पे। कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे कुछ? खुशी के लिए तो आए हम लोग, क्या है? कितनी खुशी है, एक्सप्रेशन कुछ बताइए। ज्यादा खुशी है, 500 वर्षों के इंतजार संघर्ष के बाद ये दिवाली इस बार मन रहा है, पहली दिवाली है। अपने धाम से भी ज्यादा है आई खुशी। अपने धाम से भी ज्यादा? हाँ, अपने धाम से भी ज्यादा है। हम भी बागेश्वर धाम के हैं, लेकिन बागे हमें अपने धाम से भी ज्यादा खुशी आई, बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिवाली ये मन रहा है, 500 वर्षों के संघर्ष इंतजार के बाद ये मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये पहली दिवाली की बहुत खुशी हो रही है। तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे आए कि पहली दिवाली मन रही है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इलाहाबाद? हाँ बिल्कुल। उसके बाद नहीं, चित्रकूट जाएंगे। चित्रकूट के बाद फिर वो क्या बोलते गिरमा। आपका बहुत मतलब लंबा टूर है? लंबा टूर है। कितने दिन का टूर है? चार दिन का टूर है। तो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं आप लोग? तो चले जाते हैं बस से है। रिजर्व बस है पूरा? हाँ, रिजर्व बस है अपनी, उसी से पूरा ट्रेवल करना। 40 टीम है? हाँ, 40 टीम है। आप लोग करते हैं? हाँ, पूरा लेके चलते हैं। हाँ, पूरा। थैंक यू, जय श्री राम। रामपथ से अभी अंदर आने के बाद, जैसे हम अंदर आए तो यही रोड है, यही रास्ता है जिससे आप राम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। जो राम मंदिर है, जो राम जन्मभूमि है, इसी रोड से आप आगे बढ़ करके आपको राम मंदिर मिलेगा। और जिसके आगे जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम जो दिए हैं, लोग यहाँ पे दीप जला रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे राम भक्त हैं। आज दिवाली का शुभ अवसर है और शुभ अवसर पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, दीप जला रहे हैं, लोग खुशियाँ बांट रहे हैं। 500 वर्षों के इंतजार प्रतीक्षा के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली बन रही है। काफ़ी लोगों में खुशी है, उत्साहित है और देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे दीप जला रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। और इस बार की दिवाली लोग अयोध्या में मना रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम जो लोग अभी भी दिख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। करीब रात के अभी 8 बज रहे हैं और अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दिवाली इंजॉय कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये पहला दीपोत्सव हो रहा है, दिवाली हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? ये खुशी है ना, शब्दों में नहीं बता सकते हम। ये अंतरात्मा से ना मन प्रफुल्लित है। जो 500 वर्ष का अपना इंतजार था सनातन धर्म का, सभी हिंदुओं का, ये मोदी जी और योगी जी ने अपने को चमत्कार दिखाया और यहाँ पे भव्य राम मंदिर अपने समक्ष आप देख रहे हो और रामलला विराजमान है। और इसे क्या चाहिए? और अपने त्रेता युग में 14 साल बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, कलयुग में 500 वर्ष लग गए, क्यों इतना लेट हो गए, क्या क्या वजह? ये हर युग में हिंदू थोड़ा आपको पता है गदर है, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सभी के साथ उन्होंने यही किया है, इसके लिए समय लगा पर देर हुई। पर रामलला विराजमान है आज अयोध्या में, आज अयोध्या आ गए अपने घर और भव्य से भव्य मंदिर में राजा राम विराजमान हो गए। आज दिवाली का शुभ अवसर है, कल दीपोत्सव था, कल 28 लाख सरयू घाट पे दीप जले, फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये तो है ना, अभी अयोध्या में हर साल है ना विश्व रिकॉर्ड बनेगा, ये साल 28 लाख है, तो हर साल इतिहास बनेगा। 28, 30, 35, 50 लाख, 1 करोड़ दिए अयोध्या में प्रगटाए जाएंगे क्योंकि राजा राम है। कुछ लोग जब भी दिवाली आता है कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि दिवाली पे पटाखे मत छोड़ो, पोल्यूशन होता है, जानवर डरते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ है ना हिंदू धर्म के जो त्यौहार आते हैं ना उनमें सब कहते हैं, दूसरे सबके त्यौहार आते हैं तब कोई नहीं कहता। क्रिसमस आती है, 31 आती है, तब फटाक नहीं फूटते क्या? फूटते हैं ना। तो फिर
सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार आता है। क्यों इसकी वजह क्या है, हिंदू क्यों क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा? ये हिंदू है ना, हम एक नहीं है, जब एक होंगे ना तब पता चलेगा। और योगी महाराज कह रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो बोल रहे हैं वो सच है, बटेंगे तो कटेंगे वाली जो अभी चल रहा है ट्रेंड, वो सच है? हाँ सच है ना, सच है। और योगी महाराज जो कहते हैं, देखो वो है ना बजरंग बली के अवतार हैं, योगी महाराज बजरंग बली के अवतार हैं, मोदी जी वो प्रभु श्री राम के अवतार हैं, ये हमने देखा है। ये 500 वर्ष का इंतजार था, 500 वर्ष का इंतजार था। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और मंदिर नहीं बन रहा था अयोध्या में, वही ना 500 साल से प्रभु श्री राम अपने घर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा मंदिर कब बनेगा और कौन बनाएगा मेरा मंदिर। और मोदी जी और योगी जी ने वो करके दिखाया और हम दर्शन कर रहे हैं। ये दिवाली ये ऐतिहासिक दिवाली है, भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिवाली है। ये 500 वर्ष के बाद राजा राम 22 तारीख जनवरी 2024 में विराजमान हुए और ये साल प्रथम दिवाली है अपनी। तो हम भी है ना समझ लो बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं पर हमारा मन नहीं हुआ वहाँ रहने का। मैं बोला अयोध्या ही चलो, राजा राम के पास चलो। लास्ट टाइम कब आए थे अयोध्या में आप? ये प्रथम साल आया मैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम तो अयोध्या आए हैं तो हमको ऐसा लगा त्रेता युग में आ गए हम, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि अयोध्या पूरी सजी हुई है, जगमग हुई है, पूरा राम नगरी राममय और भगवानमय है, पूरा भगवानमय है। आप रामपेड़ी जाओ, कल दीपोत्सव था, मैंने ऐसा लाइफ में ऐसा दीपोत्सव नहीं देखा मैंने ऐसा। हम लोग साक्षी बने, भाग्यशाली हम लोग हैं कि 28 लाख दीप जले और हम उसके गवाह बने, हम वहाँ पे उसमें शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए। अरे प्रभु श्री राम को हमें ना हृदय से आभार मानते हैं कि हमें अयोध्या यहाँ पे बुलाया और हमने जो रामलला की दिवाली देखी है अयोध्या में। सब सब नमन करते हैं राजा राम को। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी? देखो अयोध्या में राम मंदिर से ही रोजगार मिला है, अयोध्या पूरा राम मंदिर से ही चला है और पूरा भारत है ना वो राम मंदिर से ही चलेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे विकास ही है, रोजगार ही है, नए नए अवसर हैं। भविष्य में अयोध्या भारत वर्ष का पूरा संपूर्ण काम अयोध्या से ही होगा, राजा राम की नगरी से होगा। एक प्रभु श्री राम का भजन गाएंगे, राम के थे हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, सनातन है धर्म हमारा सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा प्रभु श्री राम के बच्चे हैं, राम नाम की गंगा में बहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।